हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिव सागर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू थर्ड लेसन ऑफ 10th क्लास बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. नेम ऑफ द लेसन इज ब्लैक एरोप्लेन, द बैक द ब्लैक एरोप्लेन. लेट्स स्टार्ट. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, वो आ रहा था ऊपर इन द ईस्ट, ईस्ट में बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी जो राइटर है वो कहीं जा रहा था और उसके पीछे से जो मून है, यानी उसका मुंह किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ, और पीछे से जो मून है वो उदय हो रहा था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और जो तारे हैं वो चमक रहे थे क्लियर स्काई, बिल्कुल साफ आसमान था अबव मी, मेरे ऊपर. जो राइटर है उसके पीछे से तो क्या था, जो मून है वो निकल आया था और उसके ऊपर जो है तारे चमक रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. वहां पे एक भी बादल यानी आसमान में बादल नहीं था, बिल्कुल साफ आसमान था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. जो कंट्री साइड यानी देहात का जो एरिया है उसके ऊपर से ये क्या है, उड़ रहा था. I was happy, मैं खुश था, to be alone, अकेला, high up, बहुत ऊपर, above the sleeping कंट्री साइड, जो गांव का देहात का एरिया, वहां पे लोग सोए हुए थे, रात का टाइम था, और ये ऊपर अकेला उड़ रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, याद रखेंगे प्लेन का नाम, तो वो अपना क्या है, डेकोटा एरोप्लेन जो है वो उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, और वापस कहाँ जा रहा था, वो इंग्लैंड जा, यानी फ्रांस के ऊपर से अपना जहाज उड़ा के वो वापिस जा रहा था कहाँ पे, इंग्लैंड. I was dreaming of my holiday. और ये क्या है, अपने holiday की सपने ले रहा था. And looking forward to being with my family. और वो सपना ले रहा था कि कहाँ जाएगा वो, अपनी family के पास जाएगा, यानी छुट्टियों में, यानी इंग्लैंड जाएगा और वहाँ पे उसकी family है, तो खुश था वो. I looked at my watch. मैंने अपनी घड़ी में देखा, 1:30 in the morning. और सुबह के कितने बजे थे, 1:30. यानी रात को 1:30 का टाइम था. और ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, ही वॉज फ्लाइंग डेकोटा एरोप्लेन, ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल जो है वहां पे कॉल करना पड़ेगा, करना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल थॉट में फोन करना चाहिए. आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की नोज यानी सामने की तरफ देखा, तो जहाज का जो आगे वाला हिस्सा है उसको देखा उसने. आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो इसने जब जहाज से देखा सामने की तरफ तो जो बिग सिटी है उसके अंदर लाइटें जो है वो जली हुई थी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088, डेकोटा, डेकोटा का नंबर क्या है, DS008, हेयर, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, जो रेडियो से आवाज आई, जवाब दिया उसने, मी इमीडिएटली, एकदम, DS088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 degree वेस्ट नाउ, DS088 ओवर. तो सामने से क्या जवाब आया, क्या इंस्ट्रक्शन मिली इसको, टू टर्न 12 degree वेस्ट मुड़ने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन मिली. आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और इसने मैप कंपास चेक करने के बाद क्या किया, तो इसके प्लेन में दो फ्यूल टैंक थे, पेट्रोल के जो दो टैंक थे, तो इसने सेकेंड टैंक जो है वो शुरू कर दिया, पहले टैंक का तेल खत्म हो गया होगा तो सेकेंड उसने चालू कर दिया. एंड टर्न द डेकोटा 12 degree वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ 12 degree जो है अपना प्लेन है वो मोड़ दिया. I will be in time for breakfast, I thought. मुझे लगा कि मैं 12 बजे यानी सॉरी ब्रेकफास्ट के टाइम तक क्या है वहां पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड. ए गुड बिग इंग्लिश फास्ट, और वहां ब्रेकफास्ट, और वहां पे एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूंगा.
एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ईजी फ्लाइट बहुत ही आरामदायक शानदार फ्लाइट थी, बहुत इंजॉय कर रहा था मैं। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और जो पेरिस था अब वो कितना आगे निकल गया था पेरिस से, 150 किलोमीटर जो पेरिस से पीछे छूट गया था और ये उससे आगे आ गया था। वेन आई सा क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, तो उसका जो एनकाउंटर है या वो मुलाकात कह सकते हैं, एनकाउंटर कह सकते हैं, ब्लैक क्लाउड से उसका एनकाउंटर कब हुआ, तो वेन ही वॉज 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, देवर ह्यूज, वो विशाल थे, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और वो कैसा लग रहा था जैसे कि कोई पहाड़ है, ब्लैक माउंटेन है जो मेरे सामने खड़ा हो गया, अक्रॉस द स्काई, आसमान के आर पार। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मेरे को पता था कि मैं इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता, एंड ओवर देम, और उनके ऊपर से भी नहीं उड़ सकता, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास इतना तेल था कि मैं नॉर्थ और साउथ की तरफ घूम सकूं, यानी नॉर्थ से चक्कर लगाओ या साउथ से चक्कर लगाओ, ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसके पास तेल नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई ऑट टू चाहिए, गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस चले जाना चाहिए, क्योंकि सामने बादल हैं, बादलों के ऊपर से नहीं जा सकता वो, चारों तरफ से नहीं घूम सकता, तो उसने सोचा कि मुझे पेरिस चला जाना चाहिए वापिस। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो ब्रेकफास्ट जो इंग्लैंड इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट, उस ब्रेकफास्ट को लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और जो बादलों का जो तूफान था, मैंने अपने प्लेन को सीधा तूफान में घुसा दिया। तो वाई डिड, क्वेश्चन बनेगा, वाई डिड ही टेक द रिस्क, उसने रिस्क क्यों लिया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो होम, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो होम, एंड सेकेंडली ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड द टू नॉर्थ एंड साउथ। एक तो उसके पास तेल नहीं था कि वो चारों तरफ घूमे, दूसरा उसको घर जाना था, तो इसलिए उसने रिस्क ले लिया। इनसाइड द क्लाउड, एक क्वेश्चन बनेगा, बादलों के अंदर क्या हुआ? इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड, और बिल्कुल काले बादल थे, तो अंदर जाने के बाद जहाज से बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, ओल्ड एरोप्लेन ने क्या किया? जम्प किया, जैसे बादलों में घुसा तो एक बार उसने जम्प किया, एंड ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब घूम जाना, और ट्विस्ट हो गया इन द एयर, और हवा के अंदर वो एकदम ट्विस्ट हो गया, तो जैसे ही वो बादलों में घुसा तो एकदम वो टर्न हो गया, और एक बार जंप किया उसने और ट्विस्ट हो गया। आई लुक एट कंपास, मैंने कंपास पर देखा, आई कुडंट बिलीव, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यकीन नहीं हो रहा था? तो इस पिक को यकीन नहीं हो रहा था। माई आईज, अपनी आंखों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास है वो राउंड एंड राउंड, कंपास आपको पता ही होगा ना, वो डायरेक्शन जो दिखाता है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो कंपास है ना वो राउंड राउंड घूम रहा था, पता ही नहीं था कौन सी डायरेक्शन है। इट वॉज डेड, खराब हो गया था वो। इट वुडंट, इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी खराब हो गए। तो जहाज में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमें रास्ता बताते हैं, हाइट बताते हैं, तो सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए। आई ट्राइड रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, देर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खत्म हो गया था, डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कैंपर्स, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, इसका रेडियो भी खराब था, कंपास भी खराब था, और इसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ है ये। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में गुम हो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और बादलों के बीच में बिल्कुल मेरे नजदीक, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा प्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी जो विंग्स हैं, इसकी जो पंख थे, इनके ऊपर लाइट
नहीं थी। यहाँ पे विंग्स का मतलब जैसे ये साइड वाला जो पोर्शन है ना, इसकी बात कर रहा है वो। विंग्स नहीं थी इसके ऊपर, बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं इसको देख सकता था। इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और ये तूफान से मेरे आगे आगे चल रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फिश, मैं पायलट का जो चेहरा है वो देख सकता था, यानी बादलों में इसको दूसरा प्लेन दिखा, हालांकि उस पर विंग्स नहीं थे, लेकिन ये पायलट का चेहरा जो है वो देख सकता था। उसका जो चेहरा है क्या, उस चेहरे ने टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आगे चल रहा था तो उसने पीछे मुड़ा इसकी तरफ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और दूसरे आदमी को देख के मैं बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया एंड वेव्ड, और हिलाया, जैसे कोई आगे चल रहा है तो इशारा करके ना पीछे पीछे आ जाओ, तो उसने अपना हाथ हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, वो क्या कह रहा था, फॉलो मी फॉलो मी। ही नोज, उसको पता था दैट कि आई एम लॉस्ट, कि मैं गुम हो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने धीरे धीरे क्या किया, अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ घुमा दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो वो मेरे था, उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ करके मेरे बिल्कुल आगे आ गया वो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसके पीछे जाके मैं बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक ओबीडियंट बच्चा होता है ना, जो सारी बातें मानता है, समझदार बच्चा, तो एक ओबीडियंट आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके पीछे चल पड़ा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, आधे घंटे के बाद भी जो प्लेन है वो वहीं था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब एक खतरा, अब वहां से तो ये बच गया, अब दिक्कत क्या होगी, इसको लगा कि, इसने देखा कि जो इसका जो पेट्रोल टैंक है उसमें सिर्फ 5 और 10 मिनट का जो तेल है वो बचा हुआ था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फर्टेंडेड अगेन, और मैं एक बार फिर से फर्टेंडेड, एक बार तो तब जब वो रास्ता भूल गया था, सेकेंड टाइम अब वो जो है फर्टेंड, फ्राइटेंड, डरा गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन फिर उसने नीचे जाना शुरू कर दिया, उसने, किसने, ब्लैक एरोप्लेन ने। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने बादलों में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गया, एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, जैसे प्लेन होता है ना, ट्रैक, ट्रैक के दोनों तरफ लाइट लगा देते हैं ताकि जहाज को पता चल जाए कि इसके बीच से रास्ता है, तो इसने वो दोनों लाइट्स को देखा। इट वॉज ए रनवे, एक रनवे था जहाँ पे प्लेन उड़ते हैं, नीचे आते हैं। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा जहाज को, अपने दोस्त को देखा, इन द ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान में कुछ भी नहीं था, खाली था स्काई। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन है वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंड इट, मैंने लैंड किया, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक वे फ्रॉम द ओल्ड डेगोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैं वहां से उतर के ओल्ड डेगोटा से नजदीक में कंट्रोल टावर था ना, जो कंट्रोल करते हैं एरोप्लेन कौन सा आएगा कब आएगा, तो उस टावर पे गया मैं। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वोमन इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर की वुमेन है उससे मैंने पूछा, वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था, यानी अभी इसको पता नहीं ना कहाँ कौन से रनवे पे उतरा है, तो पता ही नहीं इसको, क्योंकि वो बादलों में से निकल गया, इसको पता ही नहीं कौन सी जगह है ये। तो ये जो है, इसने पूछा कि भाई मैं कहाँ हूँ या कहाँ था मैं, और मैंने पूछा कि वो दूसरा पायलट कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्यों, क्योंकि मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और वो जो औरत है वो मेरी तरफ बड़ी विचित्रता से लगाई। एंड देन लाफ्ट, और फिर वो हंसी।
अनदर एरोप्लेन, दूसरा प्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, तूफान में. नो अदर प्लेन वॉज वर नो अदर प्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट. और दूसरा कोई भी प्लेन या दूसरे कोई भी जो जहाज है वो आज रात को नहीं उठ रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन, सिर्फ आपका ही प्लेन था, अकेला प्लेन. आई कुड सी ऑन द रेडार, रेडार जो है जिसके ऊपर हम वो चेक करते हैं ना कितने कौन सा जहाज आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो रेडार के ऊपर सिर्फ मैं आपका ही जहाज जो है देख पा रही थी. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो. तो किसने मदद की मेरे को पहुंचने में सेफली बिना किसी कंपास के और बगैर रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में तेल भी नहीं था. मेरी किसने मदद की? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बगैर लाइट्स. दस वी कैन से कि हमें नहीं पता चल रहा है कि किसने हेल्प की थी, क्या हुआ था. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दिस इज ए मिस्टीरियस स्टोरी. ये जो स्टोरी है एक मिस्टीरियस स्टोरी है. अगर लेसन समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.